शाहजहांपुर के धर्मपुर गांव में कभी लाइट नहीं आई। सरकार के प्रयासों से दो साल पहले गांव में लाइट आई, लेकिन छह महीने बाद आई आंधी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तब से लेकर आज तक बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली। गांव वालों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं गांव में आने जाने को कोई रास्ता ही नहीं है। गांव में आने जाने के लिए लोगों को तालाब से होकर निकलना पड़ता है। गांव के बच्चे और महिलाएं काफी परेशान हैं। वहीं बरसात के मौसम में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। गांव से प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है और बच्चे सड़क न होने के कारण जंगल से होकर जाते हैं। क्या मामा, कौन सा गांव है आपका? धर्मपुर है। धर्मपुर भी नहीं जा पाते। अच्छा। इधर के लिए वो रास्ता खराब है जो विद्यालय। अच्छा, ये बच्चे जो है इसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं? अच्छा, कितनी दूर होगा यहाँ से स्कूल? होगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर काफ़ी दूर है। अच्छा, गांव में लाइट आ रही है? लाइट भी नहीं है। अच्छा, आपका गांव तो लाइट में बताया जा रहा है कि गांव में लाइट आ रही है सरकारी दस्तावेजों में? ना, वैसे तो बता रहे हैं 29 अप्रैल को 2018 में लाइट बनाया था, लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आया। अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा बरकरार है। पीतल नगर मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में सुरजन नगर डिलारी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश और कोतवाली प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर जिले के गांव बोलो का डेर में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली की जा रही है। इस योजना में रिश्वत के बल पर चयन हो रहा है, जिसके चलते लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। सर, यहाँ क्या समस्या है? यहाँ ये प्रधानमंत्री आवास है, सन 2018-19 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास की जगह पे दुकान बनाकर पेमेंट ले लिया है ग्राम सेवक, पटवारी और बीडीओ, पंचायत समिति धोरीमिना मिली भगत कर ने आवास की जगह दुकान बनाई है। मात बोर्ड मारूड है और सब मर्दे को मैं एड भी की उड़ी है, आगे सब बेचने वास्ते खड़े है और इन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने किसी को अवगत करवाया क्या? अवगत मैंने वीडियो के सबके पास करवाया, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ग्राम सेवक बोल रहा है हमारे क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा, तुमको जो करना है वो कर लो। जिस केडीए की इमारत के दफ्तर से कानपुर के विकास का खाका तैयार किया जाता है, उसे कर्मचारियों ने जुआ का अड्डा बना लिया। यहाँ के कर्मचारियों का कामकाज के बजाय बकायदा जुआ खेलने के साथ ही शराब पीने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे महकमे में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां योगी सरकार गड्ढा मुक्त सड़कें कराने की बात कह रही है, तो वहीं देवरिया में सड़कों की हालत बद से बदतर है। आपको बता दें कि करायल शुक्ल के पिडरी को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हालात में है, लेकिन आज तक नेताओं की नजर इस ओर नहीं पड़ी। जर्जर सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो पूरी सड़क पर कीचड़ फैल जाता है। यूपी के पीलीभीत में सांड ने एक शख्स को कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नंद किशोर, ये जो व्यक्ति सांड से घायल हुआ, क्या है पूरा मामला? ये अपने घर से दूध लेने जा रहे थे, सुबह सुबह रास्ते में छुटा हुआ सांड आ गया, उसने इनको पकड़ा और साइड में कुआं था उसमें फेंक दिया। ये गिर गए, जब वहाँ पे शोर शराबा हुआ, लोग दौड़े भागे, तब देखा इनको, लेकिन उस कुएं में ऐसा था उसमें कीचड़ थी, उसमें जो जाता था आधी दूर तक वो वापस आ जाता था कि मुझे बाहर निकालो, उसमें सांस नहीं, दम घुट रहा है। इस प्रकार से इन्होंने हिम्मत जुटाई और ये घुस गए। इन्होंने अपनी रस्सी खोल के उनको बांध दी, ये दूसरी रस्सी ले गए थे वो इन्होंने बांध नहीं पाई, तब तक ये बेहोश हो गए और इनके मुँह में कीचड़ वगैरह चला गया, नाक से खून भी निकला। उसके बाद में 100 डायल किया गया, उनको लगभग समय लगा 15-20 मिनट आने में। उसके बाद बाकी लोगों ने बहुत मेहनत कढ़ाई उड़ाई बांध के उनको निकाला। तो जिस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में गए उनका क्या हुआ? उनका वो एक्सपायर हो गया सर। क्या नाम है उनका? लाला राम। ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एम्बुलेंस संचालन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन ऐसे अस्पतालों को जांच कर कार्रवाई करेगा जो गलत तरीके से मरीजों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस में GPS लगाने के भी निर्देश कलेक्टर अनुराग चौधरी ने दिए हैं। मेरा IP निवारिया, मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ 108 का। आज जो मीटिंग रखी गई थी
आज जो मीटिंग रखी गई उसमें एक तो शासकीय जो वाहन है 108 और जननी उनके संबंध में, साथ में दूसरा जो प्राइवेट वाहन है वो उनकी ये शिकायत मिल रही है उनके संबंध में कि ये लोग प्राइवेट मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह मोटिवेट करके उनमें ले जाते हैं कमीशन के लिए। तो इसकी शिकायतें आ रही थी प्रशासन के पास, इस संबंध में मीटिंग कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी ये करेगी कि जो भी शिकायत करेगा तो वो कमेटी तत्काल निर्णय लेगी उस पर। हर वाहन पर 108 नोडल अधिकारी और CMHO साहब का नंबर लिखा होगा, किसी पेशेंट को या अटेंडर को दिक्कत है कि ये हमको ज़बरदस्ती ले जा रहा है या मोटिवेट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, तो उसकी जानकारी जैसे ही वो देंगे तो उन पर तत्काल कार्रवाई होगी प्राइवेट जो एम्बुलेंस चालक है। हाँ, सभी जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं उन पे। जैसे कई समय से ये चल रहा था कि प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं उनका ये नहीं मालूम पड़ पाता था कि वो कहाँ ले जा रहे पेशेंट को, कहाँ नहीं, उसके लिए GPS सिस्टम का भी प्रावधान पहले चला था और कई गाड़ियों में GPS लगाए गए थे, लेकिन आज वो GPS सिस्टम सभी एम्बुलेंस में ज़्यादातर बंद पड़ा हुआ। नहीं, हमारी 108 जो एम्बुलेंस हैं, 15 108 एम्बुलेंस हैं और 11 जननी हैं और 4 हमारी मेडिकल यूनिट की, चारों ब्लॉक में इस तरह 30 वाहन हैं और 300 वाहन में ही GPS सिस्टम लगे हैं। जहाँ तक प्राइवेट का सवाल है तो प्राइवेट एम्बुलेंस में लगवाने की चर्चा चल रही है, आज मीटिंग हुई है, उस संबंध में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सारी एम्बुलेंस में ये नोडल अधिकारी का यानी मेरा नंबर लिखा जाएगा और CMHO साहब का, और किसी भी मरीज को या अटेंडर को प्राइवेट वाहन वाला अगर अपनी मर्जी से या मोटिवेट करके नर्सिंग होम में ले जाता है तो उसकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर FIR भी लॉन्च होगी। आज की मीटिंग में इस मीटिंग में हमारे ADM साहब TN सिंह साहब और ADM साहब कन्याल साहब और ड्रग इंस्पेक्टर और नोडल अधिकारी और 108 के चिकित्सा हेल्थ केयर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और डॉक्टर शक श्रीवास्तव, ये सभी लोग उपस्थित थे। ग्वालियर में जाने माने जोधपुर मिष्ठान भंडार के किचन पर जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। झांसी रोड स्थित किचन पर जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान यहां से भारी मात्रा में अमानक बासी और लगी मिठाइयां बरामद हुई है। सर, किस तरीके से आज आपके यहां पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है? प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी मात्रा में अमानक चीज़ें और खराब सड़ी गली चीज़ें भी मौके पर पाई गई हैं। इसमें सड़ी गली कोई चीज़ नहीं थी, कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, जो मिठाई ट्रे में से कटिंग करके ट्रे में लगाते हैं तो उसके जो पीछे की साइड की जो किन्नरें बची हुई थी उस किन्नरों को 15-20 किलो मिठाई जो किन्नरें काट काट के जो खराब माल था, वेस्टेज जो नहीं काम का था, उन्होंने मौके पे यहाँ पाया और कोई मिठाई यहाँ थी नहीं। और बाकी 3 डब्बे जो थे वो चाशनी का मैल जो होता है छेने बनाने के लिए, जो चाशनी बनाते हैं अपन शक्कर की, उसके ऊपर के मैल के टीन थे 3-4-5 जो भी फिकवाने के लिए। अब कल रक्षाबंधन का टाइम था, समय था नहीं, तो सवेरे 8 बजे तक उठे तब तक 9 बजे 10 बजे आ गए। कुछ रसगुल्ले वगैरह भी मिले हैं, उनको भी नष्ट कराया गया, फैलवाया गया, उनमें क्या काम थे? वो जो टूटे फूटे पीस थे जो नहीं काम के आने वाले थे, जो टूटे हुए पीस थे वो फेंकवाए गए।